महादेव जय श्री महाकाल साधक। भैया आज आपको बताते हैं गुरु पूर्णिमा स्पेशल जादुई पोटली के बारे में। देखिए साधकों, जादुई पोटली ये सिर्फ साल में एक ही दिन पर बनाई जाती है और ये जो है गुरु पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है, बाकी किसी दिन इसका निर्माण नहीं किया जाता। अब चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए जानते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री आपको लगती है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको पीला वस्त्र चाहिए। पीला वस्त्र यानी कि वो हमेशा ही पूरा ही पीला होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। उसमें लाल बॉर्डर या पीला बॉर्डर मतलब हरा बॉर्डर ना हो, तो पूरा पीला वस्त्र होना चाहिए। दूसरा सामग्री आपको गंगा जल चाहिए। गंगा जल से उसको कपड़े को धो लें या उसको सुखा दें धोने के बाद। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद हल्दी के 5 टुकड़े लेने, हल्दी के 5 टुकड़े किसी भी हल्दी में, हल्दी के 5 टुकड़े होने चाहिए, वो आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको हल्दी के 5 टुकड़े को सफ़ेद जो है पीले कपड़े को, ये चीज़ें आपको लेने के बाद क्या करनी है, ये सब लेने के बाद एक सामान उसमें और लेना है। उसमें चांदी या सोने का सिक्का, हल्दी, पीला कपड़ा लग, आप पहले जो है पीले कपड़े को धोलो के उस पर जो है 5 हल्दी के टुकड़े रख देने हैं। उसके बाद चांदी या सोने का सिक्का एक डाल देना है। उसके बाद उसको हाथ में बंद कर लेना है। बंद करने के बाद अपने गुरु मंत्र का जाप करना है, कम से कम 108 बार कर ले। 2 अगरबत्ती जलानी है, गुरु जी का ध्यान करना है। फिर उसको आपको करना क्या है, उसको रखना वहाँ पर जहाँ आप पैसे या चेक या ज्वेलरी रखते हैं वहाँ पर उसको रख देना। आप देखेंगे आपको धन लाभ अवश्य होगा और बहुत ही अच्छा धन लाभ होगा। आप खर्च करते रहेंगे, खर्च खत्म नहीं होगा, इतना अच्छा चमत्कारी प्रयोग आप करें और कर लाभ उठाएं और हमें फिर बाद में जरूर रखें। चलता हूँ साथ, हर महादेव, जय श्री महाकाल।